नमस्कार सारा दिन बड़ा खबर सह अर्गस प्राइम ओडिशा को स्वागत करुछु मु शक्ति बुलेटिन को आगे बढ़ा पूर्व प्रथम देखने कौन रही हेडलाइंस अमिता मेहर हत्या घटना उठुची पड़ुची सारा ओडिशा अभियुक्त गोविंद साह संप्रति अभियोग मंत्री दिव्यशंकर मिश्रा इस्तफा दाबी में बीजेपी और कांग्रेस रणहुंकार दिव्यशंकर घर को अंडामाड़ कलाहांडी विरोधी तीव्र विरोध नवीन निवास दसई पशा को कांग्रेस कर्मी उद्यम भवानी पटनारु बालेश्वर पुरी नुआपड़ा सबुठी जोरदार विरोध घटनार सीबीआई तदंत दाबी कला बीजेपी खोलला ममता हत्यार रहस्य परकिया प्रीति प्रकट होगा भयर गोविंद ममता को हत्या करथिबा कथा कहले डीआईजी किंतु कहा सह थिला संपर्क रखिले नि उत्तर कॉलेज केलेंकारी ध्यान हटाइबा पाई पुलिस रहा चालके गोविंदंक व्यक्तिगत परकिया प्रीति को सहारा करी मंत्री को खसई दबार षड्यंत्र नहीं उठिला प्रश्न ममिता घटनार जातीय महिला कमिशन अध्यक्षा मुख्यमंत्री को कड़ा चिठी दिव्यशंकर मिश्र प्रताप जेना मंत्रिमंडल बहिष्कार करने को कले अनुरोध कहले राज्य में मंत्री माने क्षमतार अपव्यवहार कर देउछन्ति जौन निर्यातना पुलिस तदंत को करुछे बाटबणा दुई मंत्री बहिष्कार बिना हो पारन हत्यार निरपेक्ष तदंत तदंत बाटबणार षड्यंत्र हत्याकारी गोविंद को चारिदिन आतिथ्य किए पकाइथिला चाप गोविंद को फरवर्ड नक आतिथ्यर पृष्ठभूमि शतकट निज खास लोक चाप पकाइथिले कि कैप्टेन दोस्ती निभाउछन्ति कि प्रताप ममिता मोबाइल मर्डर महाखुलासा ममिता बड़ बापा कहले ममिता मोबाइल थिला दुई सेक्स वीडियो ए वीडियो खोली दे थांता राकेट रोल वीडियो देखाई गोविंद को धमकाइथिले ममिता वीडियो रे थिले कि कैप्टेन वाड़े गला ममिता सिम वाड़े गला ममिता मोबाइल फोन बुद्धंक उपदेश रो मिली देश को आत्मनिर्भर भारत प्रेरणा सारा विश्व को साथरे नहीं आगे बाकु संकल्पबद्ध भारत कुशीनगर अंतर्जातीय विमान बंदर उद्घाटन अवसर में भगवान बुद्ध को मने पकाइले प्रधानमंत्री कहले भारत विश्व में बौद्ध धर्म श्रद्धा और आस्थार केन्द्रस्थल पवित्र कुमार पूर्णिमा अवसर में श्रीमंदिर स्वतंत्र नीतिकांति कालीठ महाकार्तिक व्रत हविष्याली जारी है एसओपी सबते कालीठ नुआ ड्रेस कोड रे श्रीमंदिर जीवे सेवायत ममिता मेहर हत्या घटना रे उठुची पड़ुची सारा ओडिशा पूर्वठ पश्चिम उत्तरठ दक्षिण तेजीबारे लगी आंदोलन अभियुक्त गोविंद साह संप्रति अभियोग रे मंत्री दिव्यशंकर मिश्रा इस्तफा दाबी रे बीजेपी और कांग्रेस रणहुंकार सारा ओडिशा रे दिव्यशंकर हटाओ नारा मंत्री दिव्यशंकर घर को अंडामाड़ कलाहांडी विरोधी तीव्र विरोध नवीन निवास धसई पशा को कांग्रेस कर्मी उद्यम करुवा बेले घटनार सीबीआई तदंत दाबी करी बीजेपी ममिता मेहर हत्या घटनारे उठुची पड़ुची ओडिशा गृहराष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्रा इस्तफा दाबी रे विरोधी हल्ला बोल सारा ओडिशा रे हलचल सारा ओडिशा रे दिव्यशंकर हटाओ नारा
राजरास्तार विरोधी बीजेपी ममिता हत्या घटनार सीबीआई तदंत हो ममिता को न्याय पाइबा पई सीधा सड़क सीबीआई तदंत आमर दाबी नवीन निवास को धसई पसिबा को युवा कांग्रेस कर्मी का उद्यम पुरी रु बालेश्वर कटक रु कलाहांडी सबुठी जोरदार विरोध ममिता को न्याय दियो मंत्री को हटाओ राजरास्तार जलुची मंत्री कुश पुतलिका मंत्री दिव्यशंकर मिश्र मंत्री प्रताप जेना मंत्री निरंजन पुजारी ममिता को न्याय दाबी रे सारा ओडिशा रे हलचल तुरंत मंत्री दिव्यशंकर मिश्र इस्तफा दियंतु राज्य सरकार तुरंत कार्यानुष्ठान दाबी रे आंदोलन विक्षोभ शोभायात्रा गोविंद साहू सहित मंत्री दिव्यशंकर मिश्रंकर रहिछि घनिष्ठ संपर्क तेणु मंत्री दिव्यशंकर मिश्रंकर इस्तफा दाबी रे कलाहांडी रे बीजेपी रो 12 घंटिया बंद जिलार समस्त कर्मचारी बेसरकारी शिक्षानुष्ठान और कार्यालय सहित दुकान बजार एवं गाड़ी चलाचल बंद गोटिए दाबी मंत्री तुरंत इस्तफा दियंतु ए दृश्य होची कलाहांडी जिला भवानीपाटना रे मंत्री दिव्यशंकर मिश्रंक घर सम्मुख रे बीजेपी महिला मोर्चा पक्षरु तांको घर ऊपर को अंडामाड़ करा जायछि परे बीजेडी कर्मी को उत्पात बीजेपी और बीजेडी कर्मी मुहामुही बीजेपी कर्मी को विक्षोभ बेले किछि बीजेडी कर्मी आसी गुंडागर्दी देखाइथिले विक्षोभ को विरोध करबा सह युक्ति तर्क करथिले किछि समय पई देखा देथिला उत्तेजना एपटे राजधानी रे ममिता को न्याय दाबी रे विक्षोभ नवीन निवास को धसई पसिबा को उद्यम मंत्री संप्रुक्त थाई गोविंद साहू को सब प्रकार सहायता करा जाउती कोला पताका धरी नवीन निवास आगरे विक्षोभ कला युव कांग्रेस ए दृश्य हेउछि कटक रो गृह राष्ट्र मंत्री दिव्यशंकर मिश्रंक कुश पुतलिका दाह कटक नगर बीजेपी पक्षरु बादामबाड़ी रे रास्ता रो दलीय कर्मी मंत्री इस्तफा एवं गिरफ्तारी दाबी करिछन्ते एआईडीएसओ पक्षरु कटक कॉलेज छक रे प्रतिवाद विक्षोभ प्रकृत रे जदि एक नंबर सरकार प्रकृत रे जदि सब कथा बुझी विचारी कार्य करछो नवीन बाबू तुरंत मंत्री मानको बाहर पूरी बीजेपी तरफ रु एसपी ऑफिस आगरे धारणा गृह राष्ट्रमंत्री कैप्टन दिव्यशंकर मिश्रंक कुश पुतलिका दाह गोविंद साहू एक मोहरा मात्र सीबीआई तदंत सह तदंतरे स्वच्छता आणिबा पई मुख्यमंत्री गृह राष्ट्रमंत्री को तुरंत बरखास्त पई दाबी करा जायछि जगत सिंहपुर जोर धरला सीबीआई तदंत और मंत्री दिव्यशंकर मिश्रंक इस्तफा दाबी जिला बीजेपी महिला मोर्चा पक्षर मंत्री दिव्यशंकर मिश्रंक कुश पुतलिका दाह झारसुगुड़ा जिला बीजेपी तरफ एसपी ऑफिस सामने मंत्री दिव्यशंकर मिश्रंक कुश पुतलिका दाह हत्यार तदंत सीबीआई हाथ को देवाक दाबी कर जिला बीजेपी महिला मोर्चा समान दाबी में बालेश्वर बीजेपी कर्मी हल्ला बोल मंत्री दिव्यशंकर मिश्रंक इस्तफा दाबी रे अड़ी बसी बीजेपी कर्मी पुलिस प्रशासन हाय हाय नवीन सरकार कर चटकर चलिबो नहीं पुलिस प्रशासन ना दबाव नीति आउ चलिबो ना जति के आज का डेट रो क्राइम बड़ो बड़ो होची सभी रो बीजेडी गवर्नमेंट रो मंत्री मानन को ना आसुची किंतु नवीन पटनायक नीरव साजी चंती दिव्यशंकर मिश्र जब पर्यंत निजे रिजाइन न दे चंती सरकार बीजू जनता दल ताकू बरखास्त न कर चंती से पर्यंत भारतीय जनता पार्टी एई बड़ आंदोलन जारी रखी नुआपड़ा रे मध्य बीजेपी कर्मी माने राजरास्ता कोल्हाई चंती ममिता हत्या घटना रो निरपेक्ष तदंत करबा पई दाबी करिछंती ममिता को न्याय पाइबा पई सीधा सड़क सीबीआई तदंत आमर दाबी
ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲା ବିଜେପି। ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବରଖାସ୍ତ ସହ ଗିରଫଦାରୀ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ବିଜେପି ଆଣିଛି ଅଭିଯୋଗ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବରାବର ସେଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ମୋବାଇଲ, ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପୋଲିସ ସିଜ୍ କରିଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଅନେକ ସିକ୍ରେଟ୍ ରହିଥିଲା। ଏସବୁ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ପିତାର ଯେଉଁ ବୟାନ, ତା ମଧ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ସେ ବୟାନରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ସ୍କୁଲର ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇଛି ଏହା କଷ୍ଟଦାୟକ। ଏହି ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନେତାମାନଙ୍କର ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ସତ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ତୁରନ୍ତ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଖୋଲିଲା ପିଶାଚ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ମୁଖା। କାର ଭିତରେ ମମିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ। ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ପ୍ରଘଟ ହେବା ଭୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ ମମିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା କଥା କହିଲେ ଡିଆଇଜି। କିନ୍ତୁ କାହା ସହ ଥିଲା ସମ୍ପର୍କ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କଲେଜ କେଳେଙ୍କାରୀରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ଏହା ଚାଲ କି? କଲେଜ କେଳେଙ୍କାରୀ ଧରାପଡ଼ିବା ଭୟରେ ନୂଆ ଚାଲ, କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ଖାସ ନରପିଶାଚ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ। କାର ଭିତରେ ହତ୍ୟା କରିଛି ମମିତାଙ୍କୁ, କାହିଁକି ଏମିତି ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲା ମମିତାଙ୍କୁ? କଲେଜ କେଳେଙ୍କାରୀରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ଚାଲ। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିକୁ ସାହାରା କଲା କି ପୋଲିସ? ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକେ ଅନେକ ଝିଅମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା? ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଧରିକି ସେମାନଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ। ମମିତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ରାତିରେ ଯାଉଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ଦେହଜୀବୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଏ ସବୁର ପୋଲ ଖୋଲିଦେବେ ବୋଲି କହିବାରୁ ମମିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ସେପଟେ ଡିଆଇଜି ଆଜି କହିଛନ୍ତି ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିର ଥିଓରି, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି କାଳେ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ ହତ୍ୟା କରିଛି ମମିତାଙ୍କୁ। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ 5 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ SDZM କୋର୍ଟ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଛି 302, 366, 201, 120 ବି ଧାରା। ତେବେ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍କୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ସହ ଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି? କାହିଁକି ଉତ୍ତର ରଖିଲେନି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି? କଲେଜ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ନାଟକ କି? ମମିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ହେବ କି ତଦନ୍ତ? ଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ କନ୍ଫେସନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡ କେ ଆଧାର ପେ ଯୋ ଘଟନା ରିଭିଲ୍ ହେଇଛି ସେ ଅଛି କି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ପ୍ରି ପ୍ଲାଣ୍ଡ ମ୍ୟାନର୍ରେ ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ କାର୍ ଭିତରେ ମାରିଛନ୍ତି। 8 ତାରିଖକୁ ହିଁ ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭବାନୀପାଟନା ସେ କେ ଗାଁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏ କ୍ରାଇମ୍ କ ମୋଟିଭ ଯୋ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଏସର୍ଟେନ୍ ହେଇଛି କି ଭିକ୍ଟିମ୍ ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡ କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଆଫେୟାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଆଫେୟାର ଜାଣି ଯାଇଥିଲେ, କିଛି ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଥ୍ରେଟେନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାର କାରଣରେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡ କା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରଜ ଥିଲା। କାର ଭିତରେ ହିଁ ମମିତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ହତ୍ୟା। ହତ୍ୟା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଏହା ଏକ ପ୍ରି ପ୍ଲାଣ୍ଡ ମର୍ଡର ବୋଲି ଗୋବିନ୍ଦ ମାନିଛି।
पूर्व योजना अनुजाई ममिता घर डकई गोविंद अधा रास्तु गोविंद ममिता आनी 8 तारीख दिन ही ममिता करा जाइथिला हत्या भवानी पटनारु के गां फेरिबा बेले उभयों मध्यरे बचसा होइथिला एवं ममिता हत्या करी काठ और टायर रे जाली देइथिला मृतदेह पोतिबा पाई गोविंद निज स्टेडियम रे गात खोलाइथिला एवं एही गात रे ममिता जालीबा परे यथेष्ट परिमाण रो लुण भी ढला जाइथिला विक्टिम को मारिला परे एक्यूज तांको बॉडी को गाड़ी रे ही ले गले और सेठी महालिंग स्टेडियम रे अंधेरा हला परे डिस्पोज करी छंती नेक्स्ट डे से डिस्पोज करी के डिस्पोज करेला टाइम रे से ताको कार्डबोर्ड लगाई के और ऊपर टायर लगाई के से बॉडी को जलाई छंती नेक्स्ट डे सकाले से पिट को फिलअप कराई छंती अभी सेपटे घटना रे कलाहांडी एसपी को रिपोर्ट तलब करी महिला कमिशन 15 दिन मध्य रिपोर्ट देवाकू कही छंती राज्य महिला कमिशन तरफ रु आमे मध्य एसपी को रिपोर्ट मागिचु जे किभरी भाव रे ठीक भाव रे तदंत हेउ एवं उपयुक्त जो माने दोषी अत्र अछंती से माने दंड पा आमे रिपोर्ट पर दिन मागिचु एवं टाइम देछु 15 दिन भीतर हम रिपोर्ट दाबै पूरा घटना रु एबे भी हटिनि परदा रहस्य घर रे महालिंग कॉलेज रो जौन केलेंकारी महिला कमिशन दिगरे तदंत करिवे त पुलिस कैप्टन दीपेशंकर मिश्र को तदंत परिसर को नेब त ना मिलीमिशी चापी देवे बलांगीर तरुण साहू भुलेश्वर अग्रवाल रोशन रथ और संतोष जेना रिपोर्ट अर्गस न्यूज प्राइम ओडिशा आगे रही गुरुत्वपूर्ण खबर कितु समय गोटे छोट विरतिर ममिता मृत्यु घटना रे उद्वेग प्रकाश करिसंती जातीय महिला कमिशन अध्यक्ष एनएसए मुख्यमंत्री को कड़ा चिठी मध्य लिखिसंती मंत्री दिव्यशंकर और प्रताप जेना मंत्रिमंडल बहिष्कार करिबा पई चिठी रे से दाबी करिसंती मंत्री बहिष्कार हेले ही पुलिस अबाध और मुक्त तदंत करि पारिबो बोली जातीय महिला कमिशन अध्यक्ष कहिसंती जातीय महिला कमिशन अध्यक्षक मुख्यमंत्री को कड़ा चिठी गृह राष्ट्रमंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र और आईन पंचायतराज और नगर उन्नयन मंत्री प्रताप जेना को मंत्रिमंडल बहिष्कार करने को कले अनुरोध एनसीडब्ल्यू कहले राज्य में मंत्री मैंने क्षमतार अपव्यवहार कर जौन निर्यातना देस पुलिस तदंत को बाटबणा कर दुई मंत्री बहिष्कार बिना कलाहांडी जिला सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल अध्यक्ष ममिता मेहर हत्यार अबाध और निरपेक्ष तदंत हो पारना लिखि जनइले मुख्यमंत्री को महिला कमिशन अध्यक्ष कहले पाखे पहुंची सूचना अनुसार कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र ई शिक्षानुषान को बारंबार जावासह से रात्रि जापन कर नजर रही ममिता निखोज होगा पूर्व मंत्री प्रताप जेना स्कूल को बुली जाने अवगत कराइवास मंत्री अपहरण में परोक्ष संपर्क नहीं दे आभास ओडिशा डीजीपी को चिठी लिखि देशर नियम अनुसार निरपेक्ष तदंत दे परामर्श सबु अभियुक्त गिरफ्तारी सह पीड़ित परिवार को सुरक्षा जोगाई देवाई डीजीपी को कहले अभियुक्त क्षमताशाली होइतिबार सुरक्षा जरूरी बोली कहले डीजीपी को गणमाध्यम प्रकाशित खबर संज्ञान को नहीं एनसीडब्ल्यू मुख्यमंत्री को लिखिले मर्मरे चिठी पीड़िता ममितार परिवार रो कोहबर अभियोग और एनसीडब्ल्यू रेखा शर्मा चिठी अच्छी बड़ तालमेल ममिता बापा सीधा सीधा अभियोग कर मंत्री दिव्यशंकर मिश्र शारीरिक संपर्क कटाऊ राति मात्र डीआईजी पीड़िता परिवार और एनसीडब्ल्यू परिपंथी वक्तव्य कॉलेज रे जौन उत्पीड़न अभियोग प्रसंग रे स्पष्टीकरण बदल रे अभियुक्त परक्या प्रीति कथा कहिसंती डीआईजी तदंत को बाटबणा करबा को ओडिशा पुलिस रचिछि कि बड़ षड्यंत्र परिवार ओ एनसीडब्ल्यू को वक्तव्य आधारे होई पारिबो कि तदंत ताकु नै बड़ प्रश्न तदंत बाटबणा हेबा कारणरु राज्य रे कमुछि कि महिला विरोधी हिंसा रे दंडविधान हार ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज ममिता हत्या घटनारे तदंत बाटपणा पाई सांघातिक षड्यंत्र हत्याकारी गोविंद को गिरफ्त परे
कोर्ट फरवर्ड नकरिबा किए पकाइथिला चाप चारि दिनर आतिथ्य को नहीं उठी प्रश्न निज खास लोक चाप पकाइथिले कि कैप्टेन तदंत बाट बणार षड़यंत्र हत्याकारी गोविंद को चारि दिनर आतिथ्य किए पकाइथिला चाप गोविंद को फरवर्ड नकरिबा आतिथ्यर पृष्ठभूमि सत कण निज खास लोक चाप पकाइले कि कैप्टेन दोस्ती निभा कि प्रताप तेरह एफआईआर चौदह गोविंद को उठाई नेला पुलिस सतर से लंफट मारा चंपट उन्नीस गोविंद गिरफ चौदर सतर सिंधकेला थाना रे एक चारि दिन में गोविंद को आतिथ्य नहीं उठी प्रश्न सन्देह घेरें थाना अधिकारी और बलांगीर एसपी चारि दिन धरी काहीं अटक रखी बलांगीर पुलिस एक चारि दिन में कौन किसी भी सुराग मिललानी पुलिस को कारु भी सन्देहजनक भाव मिललानी कि पुलिस केमी जाणला स्टाडियम पोता जा शरीर अंश ना जाशु मामला को चापी देवाई ये षड़ गृह राष्ट्रमंत्री निर्देश को येस बस कला कि बलांगीर पुलिस काले पोल खोली से रचा जा षड़ जवाब रखत बलांगीर एसपी और डीजीपी अभय कौन सी अभियुक्त यदि पुलिस तदंत प्रक्रिया परिसर भितर कर समय सीमा दि जा गिरफ्त कर चौबीस घंटा भितर कोर्ट को फरवर्ड कर मात्राधिक समय जन को सन्देह आणिकी रखा और परवर्त काल में फेरार हो यही आभास दूची जे आईन बहिर्भूत काम तो होती ना कौन जगार साहय कर मुकुलवाई उद्यम आरंभ हो सेबड़े गोविंद और कैप्टेन दोस्ती निभा मंत्री प्रताप जेना हेलिकॉप्टर रे महालिंग कॉलेज को जाते आईन मंत्री प्रताप जेना आंच बंधु कैप्टेन मिश्र और गोविंद साहू को प्रशंसा पोती पकाइले मंत्री प्रताप जेना गोविंद बाबू से कहते महालिंग कलेज मोर जीवन मुझे जीवन टू बड़ी अधिक महालिंग कलेज को भल पाए आबे प्रश्न कले मुह बुलाई पलाउछंती प्रताप गृहमंत्री आईन मंत्री दुई जन खास गोविंद से थाना होता कि षड़ से मिली कि आतिथ्य बलांगीरु संतोष जेना तरुण साहू हुलेश्वर हंस और अंकुर अग्रवाल कटकु इमरान खान का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। ममिता मोबाइल मर्डर महाखुलासा कुआडे गला ममिता मोबाइल ममिता मोबाइल रे दुईटी सेक्स भिडियो थिबा अभियोग होइछि जहाकि राकेटर पर्दाफाश करिथांता बोली सांघातिक अभियोग आनी ममिता बड़ बापा जो वीडियो नहीं ममिता गोविंद को धमकाई तेरे प्रश्न उठू वीडियो रे थिले कि कैप्टेन प्रतिवाद करी करी सबकी बोले से दुईटा वीडियो ताको देखे दे थिले सेटा ही मोर जिहारी रो मृत्यु कारण ममिता मोबाइल मर्डर महा खुलासा ममिता को मोबाइल रे दुई सेक्स वीडियो ए वीडियो खोली दे थांता राकेट रोपोल वीडियो देखाई गोविंद को धमकाई थिले ममिता वीडियो रे थिले कि कैप्टेन कुआडे गला ममिता को सिम कुआडे गला ममिता को मोबाइल ए नंबर को आसी थिबो कॉल कॉल भी करी थिबे ममिता कही थिबे सनसाइन स्कूल रे चली थिबा छात्री अत्याचार रो गुमर पर्दा हटाई थिबे गोविंद कला कारनामार हेले मोबाइल गायब केवल ममिता लैपटॉप जबत करी पुलिस स्कूल मालिक गोविंद साहू को ओपन चैलेंज करी ममिता से ताकू बर्बाद करिबे केलेंकारी रो पर्दा फास करिबे ए वीडियो देखाई गोविंद को चैलेंज देथिले ममिता कहिथिले ताकू बर्बाद करी देबे चालाकी रे किडनैप करथिला चालाकी रे से रेप एंड मर्डर भी करछि बहुत तार सांग साथी मैडम मन सहित आम परामर्श नेलु बा कांटेक्ट करलु समस्ते गुटे कथा कहले झियटा गोविंद साहू रो अनेक से कॉलेज रे जहां घटू छि से जानी थिला एवं ता सहित बात विवाद होइतिला
ସେ ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି କଲେଜରେ ଏପରି ଧନ୍ଦା କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଖରାପ ହେବ। ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିକରି ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଝିଆରୀର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ପରେ ଫୋନ୍ କରି ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଁରୁ ମମିତାଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ସ୍କୁଲକୁ, ଘରୁ ଗଲେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ବି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଦେଖାଗଲା ମମିତାଙ୍କୁ। ତାପରେ ସେ ନିଖୋଜ। ମୋବାଇଲ ହାତେଇବା ପାଇଁ ହୋଇନି ତ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ମୋବାଇଲ ଖେଳ ଖତମ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା। ଭାରତ ଏବେ ଆଜାଦୀର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାନବ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛି। ଏହି ଅମୃତ ସଂକଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିକାଶ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଭାରତ ଆଗେଇବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ, ନିଜେ ନିଜର ଦୀପ ହୋଇ ଆଲୋକିତ ହେବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଭଗବାନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ଏହା ହିଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ପ୍ରେରଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି କୁଶିନଗର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପଦେଶରୁ ମିଳିଛି ଦେଶକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ପ୍ରେରଣା। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆଗେଇବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତ। କୁଶିନଗର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗକୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ। ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, କରୁଣା, ମାନବବାଦ ଭଳି ମହାନ ବିଚାରଧାରା ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀରୁ ସତ୍ୟ ଅହିଂସାର ବାର୍ତ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜୀବଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଭାବନାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବାଣ୍ଟିଛି ଭାରତ। ଭାରତ ଏବେ ଆଜାଦୀର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାନବ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛି। ଏହି ଅମୃତ ସଂକଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଭାରତ ଆଗେଇବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ। ଆଜି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀରେ ରହିଛି ତାହାର ସମାଧାନ। ନିଜେ ନିଜର ଦୀପ ହୋଇ ଆଲୋକିତ ହେବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ବୁଦ୍ଧ। ଏହା ହିଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ପ୍ରେରଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ନେ କହା ଥା ଅପ ଦୀପ ଭବ ୟାନି ଅପନେ ଦୀପକ ସ୍ୱୟଂ ବନୋ। ଜବ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶିତ ହୋତା ହେ ତଭି ବ ସଂସ୍କାର କୋ ବି ପ୍ରକାଶ ଦେତା ହେ। ଏହି ଭାରତ କେ ଲିଏ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ବନ୍ନେ କି ପ୍ରେରଣା ହେ। ଏହି ବ ପ୍ରେରଣା ହେ ଯୋ ହମେ ଦୁନିଆ କେ ହର ଦେଶ କେ ପ୍ରଗତି ମେ ସହଭାଗୀ ବନାନେ କି ତାକତ ଦେତି ହେ। ଅପନେ ଇସି ବିଚାର କୋ ଆଜ ଭାରତ ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ, ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ଔର ସବକା ପ୍ରୟାସ କେ ମନ୍ତ୍ର କେ ସାଥ ଆଗେ ବଢ ରହା ହେ। ବୁଧବାର ଦିନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୁଶିନଗରଠାରେ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କୁଶିନଗର ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମହାପରିନିର୍ବାଣ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ପରିଚିତ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କୁଶିନଗର ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଓ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଆଶ୍ୱିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଅଭିଧର୍ମ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସେଠାରୁ ଭାରତକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପବିତ୍ର ଅବଶେଷ। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ। କୁଶିନଗର ବିମାନ ବନ୍ଦର ସମସ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରତି ଅର୍ପିତ ଏକ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବୋଲି କହିଥିଲେ। କୁଶିନଗର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ କି ଏ ସୁବିଧା ଏକ ପ୍ରକାର ସେ ଉନକି ଶ୍ରଦ୍ଧା କୋ ଅର୍ପିତ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ହେ।
भगवान बुद्ध के ज्ञान से लेकर महापरिनिर्वाण तक ये संपूर्ण यात्रा का साक्षी ये क्षेत्र आज सीधे दुनिया से जुड़ गया है। विगत किछि वर्ष मध्यरे उड़ान योजना अधीन रे देशरे 900टी नुआ विमान पथ को स्वीकृति दिया जाय छि। सेति मध्यरे 350 रो अधिक पथरे विमान सेवा आरंभ करा जाय छि। अकामे होई पड़िथिबा 50 रो अधिक एयरपोर्ट को चलनक्षम करा जाय छि। आगो को सरकार ए दिगरे आउर अनेक पदक्षेप नेउछंती बोली सूचना देथिले प्रधानमंत्री। आने वाले 3-4 सालों में कोशिश ये है कि देश में 200 से अधिक एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और सी प्लेन की सेवा देने वाले वाटर ड्रोम का नेटवर्क भी देश में तैयार हो। पर्यटन विकास पाई निर्माण होता कुशीनगर भाई एयरपोर्ट देश में पुंजनिवेश और निजुक्ति देवार अवसर सृष्टि कर अवसर में कही प्रधानमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। अच्छा।